subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको 8.1 के सारे फॉर्मूले उदाहरण सहित आपको हम बता चुके हैं। कल आपको मैंने पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय मान 0° से 90° तक के त्रिकोणमितीय मान से आपको हम बता चुके हैं, समझा चुके हैं। आज जो हम बताने वाले हमारे एक्सरसाइज 8.2 जो बताने वाले हैं उसमें कल जो हम बताए थे फॉर्मूला उसका यूज होने वाला है। यदि आपने मेरे उस फॉर्मूले को अच्छे से वीडियो देख लिए हैं तो आज के सवाल में आपको मजा आने वाला है। तो ठीक है, हम शुरू करने जा रहे हैं 8.2 का सवाल नंबर 1। तो देखिए सवाल नंबर 1 में क्या है हमारा। सवाल नंबर 1 में है साइन 60° कॉस 30° प्लस साइन 30° और इंटू कॉस 60°। तो ये रहा आपका पहला नंबर का सवाल। इसमें आप देख रहे हैं साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 30, ये जो आपको है ये 0° से 90° के त्रिकोणमितीय मान है। इसमें आपको हम कल बता चुके थे, आज उसी का यूज होने वाला है। ठीक है, जिसने याद किए हैं उसे मजा आएगा। और देखिए साइन 60 का मान कितना होता है हमारा, आप लोग याद किए जानते होंगे कितना होता है, √3/2 इंटू का क्या होता है गुना, और कोस 30 का मान क्या होता है √3/2, इसका भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू गुना और कोस 60 का मान 1/2। आप देखिए 2 क्या करना है, गुना करना है, फिर ऊपर पर गुना करते हैं √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4, 4 का एलसीएम लेंगे, 1 × 3 प्लस 1 × 1 कितना हो गया 3 × 1 4, 4 × 4 कट गया आपका एक आंसर। तो पहला नंबर सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नंबर सवाल आपको हम बताएंगे। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°। तो दूसरा नंबर जो सवाल है आपका वो ये है, इसमें आपको मान रखना है जैसे कि हम रख रहे हैं 2 × 10। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या देख रहे हैं 10² 45, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए 10² 45 का मान होता कितना है, तो 10² 45 का मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस cos² 30, यानी कि cos 30 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस sin² 60 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबको गुणा करना है, जैसे कि 2 × 2 × 1² करेंगे तो 1 प्लस √3² करेंगे तो कितना होगा √3 × √3 क्या होता है 3 होता है, और 2² करेंगे तो कितना होगा 4 माइनस √3² कितना होगा 3 और 2² कितना होगा 4, ठीक है। अब क्या करना है आपको यहाँ पे गुना करना है, 2 × 1 कितना हो गया 2, आपको ये उतार लेना है 3 + 3/4 माइनस 3/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आपको क्या करना है ये बटे में है, ये बटे में, यहाँ पे क्या बटे में नहीं है, तो अपने मैसेज को हम क्या कर सकते हैं 1 दे सकते हैं। तो हमने 1 दे दिया है, आप इसमें क्या करना है आपको तीनों का एलसीएम लेना है, जैसे कि 1, 4, 4 का एलसीएम लेना है। तो 1 × 4 जब एलसीएम लीजिएगा तो आपका 4 होगा, हम दे रहे हैं 4 कितना बार में 4 बार में, तो 2 कितना बार पड़ेंगे 4 बार, यानी कि 2 × 8 प्लस 4 कितना बार 1 बार में यानी कि 3 माइनस 1 बार में 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, पहले आप जोड़ेंगे फिर आप बताएंगे, जैसे कि 8 + 3 कितना हो गया 11, क्या यहाँ पे माइनस 3, तो पहले मैंने जोड़ा
अब घटाएंगे जैसे कि 11 में जो है अब यहाँ पे क्या करना है घटाना है, 11 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 11 में 3 जाएगा तो 8 बच जाएगा बटे 4, ये कितना कट जाएगा, ये एक बार में, ये दो बार में, यानी कि 2 आंसर। तो 2 नंबर सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको हम बताएंगे तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल देखिए, कॉस 45 डिग्री फिर क्या है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, कॉस 45 का मान रखना है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। अब इसका मान क्या होता है सेक 30 का, सेक 30 का मान कितना होता है तो 2√3, सेक 30 का मान 2√3 होता है प्लस cos 30 का मान कितना होता है 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करना है हमको इसमें, सबसे पहले इसको हम उतारेंगे ऊपर वाला को 1/√2, इसमें क्या करना है हमको, ये बटे में है, ये प्लस है, ये क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, हम क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे, जैसे यहाँ पे ये उतार चुके हैं, इसका हमको क्या करना है एलसीएम लेना है, जैसे यहाँ पे √3 का 1 कितना हो जाएगा √3 एक बार में 2 प्लस √3 कितना बार में, इतना बार में, तो हम क्या करेंगे इसको इसमें गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे करेंगे, जैसे कि इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, जब हम गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो क्या तो 1/√3 और ये क्या होता है ये चीज़ जो है ऊपर से जाता है यानी कि यहाँ पे, और ये चीज़ जो है यहाँ आ जाता है जैसे कि 2 + 2√3, ठीक है, इस तरह से हो जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है गुना कर देना है, जैसे कि √3 और फिर यहाँ क्या करना है √2 और 2 गुना कितना होगा 2√2, तो आपको ऐसा दिक्कत हो रहा है गुना करने में, तो आपको क्या जहाँ इसको गुना करें तो क्या होगा √3, और जब इसको हम गुना करना है क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे कर देते हैं √3 इंटू, यानी कि गुना करना है हमको, हाँ वैसे भी इसको लिख सकते हैं। अब हम इसको गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे उतारे हैं बटे, अब क्या करना है √2 गुना 2 करना कितना होगा यहाँ पे 2√2 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करना है, यहाँ प्लस दे देते हैं पहले प्लस, फिर इसको इससे गुना करें कितना होगा तो हो जाएगा 2 और √2 और √3 कितना होगा √6, तो मैंने इसको इन दोनों से गुना कर दिया, ये आए हैं। अब इसमें क्या करना है √3 बटे, इधर हमें से कॉमन क्या आ रहा है, इधर हमें से कॉमन हमारा 2 आ रहा है, ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो यहाँ क्या आ रहा है 2 कॉमन है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर में √2 + √6, ठीक है, ये हो गया। आपको क्या करना है इसका हर परिमेयकरण करना है, ठीक है, आपको इसमें क्या करना है हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण कैसे क्या आता है, जैसे कि जो हम इनटू में ले लिए हैं, जो हम कॉमन ले लिए हैं उसको हर परिमेयकरण करते हैं तो उसका यूज नहीं होता है, जैसे कि ये है इसको हम नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे हर परिमेयकरण में, ठीक है। और क्या करना है हर परिमेयकरण जो करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे गुना ये चीज या ऐसे हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे चीन जो है ये चीन प्लस है, यहाँ पे, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और दोनों जगह आ जाएगा ऊपर नीचे अंश हर दोनों में, ये इसे हम कहते हैं हर परिमेयकरण, जो हम ये कर रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं हर परिमेयकरण, ठीक है। तो हर परिमेयकरण हमने कर दिया, अब इसमें क्या करना है आपको इसको इससे गुना करना है और इसको इससे गुना करना है, अब क्या कीजिएगा √3 × √2 कितना हो जाएगा 3 × 6 यानी कि √6 और फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दिए। अब √3 × √6 करना है, कैसे करेंगे तो 3 × 6 = 18 यहाँ पे बटे है, बटे दे दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको नहीं करना है, पहले इसको इसको गुना करेंगे, ठीक है, सिर्फ इसको और इसको, यहाँ पे क्या होगा √2 है, यहाँ भी √2 है, क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस रूट सिक्स, रूट सिक्स रूट सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे टू है, ठीक है, यहाँ पे टू आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, रूट सिक्स नोदनी अठारह, इसको मैंने क्या किया अंदर में तोड़ लिया। अब आपको क्या करना है, बटे देना है, इसको करना है, ठीक है, जैसे टू यहाँ पे है, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा टू, माइनस रूट सिक्स का स्क्वायर कितना होगा सिक्स, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब इसका ऐसे करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट चार हो जाएगा, और रूट चार का वर्गमूल क्या होता है दो होता है, इसको जब से बना करें तो छत्तीस हो जाएगा, और रूट छत्तीस का वर्गमूल क्या होता है छः होता है, तो इस तरह से मैंने किया, ठीक है। आपको क्या करना है, रूट सिक्स माइनस, ठीक है, नो का इसको ना आपका रूट वर्गमूल निकालना है, तो क्या हुआ, नो का वर्गमूल क्या होता है तीन, ठीक है, लेकिन टू का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये टू जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, ये टू क्या है रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको इसको करना है, जैसे यहाँ टू है, ये इन टू यानी गुना दो माइनस छः, यानी कि आपको घटाना है इसमें, माइनस छः में आपको दो घटाना है, क्या हो जाएगा छः में दो हो जाएगा तो चार, लेकिन क्या है बड़े का आगे माइनस है, बड़े का आगे माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस चार हो जाएगा, क्योंकि आप माइनस छः में दो घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस चार आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, रूट सिक्स माइनस तीन रूट टू बटे, इसको क्या करना है, वो गुना करना है, टू इंटू माइनस फोर कितना हो जाएगा चार दुनी आठ, और माइनस है तो माइनस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आपको क्या करना है, ये माइनस आप जानते होंगे कि यहाँ से आप मान लीजिए यहाँ पैसे है तो यहाँ माइनस है, ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे आपको दिया हुआ है इस तरह से नीचे अगर माइनस है तो ये माइनस कहाँ लग जाता है हमारा ऊपर, माइनस नीचे होता ही नहीं, माइनस हमेशा अगर होता भी है तो वो क्या होता है ऊपर आ जाता है इनटू में, तो आपको क्या करना है, यहाँ माइनस नीचे में है तो माइनस ऊपर कीजिएगा, क्या हो जाएगा ये इनटू में घिरा जाएगा, ये माइनस इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ आठ, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्या किया ऊपर किया क्या गया इनटू में हो गया, आपको इसमें गुणा करना है, यानी कि माइनस प्लस कितना होगा माइनस रूट सिक्स, और माइनस माइनस प्लस तीन रूट टू बटे आठ, तो हम क्या किए इसको इससे गुणा कर दिए तो ये आ गया। अब इसको हम क्या करना है, दर्शाना है, ढंग से लिखना है, तो हम जानते हैं कि प्लस को आगे लिखते हैं और माइनस वाला को उस तरफ लिखते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आपको हम सवाल नंबर चार बताएंगे, सवाल नंबर चार आपको बताने जा रहे हैं, तो चार नंबर सवाल में क्या है हमारा, सवाल नंबर चार बताएं, ठीक है, सवाल नंबर चार में क्या है वो देखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन तीस डिग्री प्लस टेन पैंतालीस डिग्री माइनस कोसेक, कोसेक कितना है साठ डिग्री, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बटे कितना दिया हुआ है, बटे दिया हुआ है सेक तीस डिग्री प्लस कॉस साठ डिग्री प्लस कॉट पैंतालीस डिग्री, तो चौथा सवाल में आपका ये कह रहा है, ठीक है, आपको इसको निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप सब सबका मान बढ़ाइएगा, तो आप जानते हैं साइन तीस का मान कितना होता है वन बाय टू प्लस टेन पैंतालीस का मान कितना होता है तो वन होता है वन, माइनस है माइनस दे दिए, कोसेक साठ का मान कितना होता है तो टू रूट थ्री होता है, ठीक है, कोसेक साठ का मान टू रूट थ्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, बटे देंगे, अब इसका मान लिखेंगे, सेक तीस का मान कितना होता है टू रूट थ्री प्लस कोसेक साठ का मान कितना होता है तो इसका होता है वन बाय टू प्लस कोट पैंतालीस का मान कितना होता है
वन। ठीक है, सबसे पहले मैंने सबके मान लिख लिए हैं। आपको क्या करना है, इसका हर परिवर्तन करना है। सबसे पहले ऊपर अलग करेंगे हम, ठीक है, हर परिवर्तन करना है, एलसीएम लेना है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ बटे में है, ये बटे में, ये बटे में नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो क्या होगा, एक हो जाएगा। यहाँ भी कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर अलग लेंगे, तो क्या होगा, टू रूट थ्री गुना करेंगे, क्या होगा, टू रूट थ्री। ये क्या हो गया, कट गया, बच गया क्या, रूट थ्री। यहाँ पे हम ये वाला कर रहे हैं, ऊपर वाला, इसका हम एलसीएम लिए हैं, फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टू टू कट गया, बचा क्या, रूट थ्री, यानी कि रूट थ्री ऊपर में लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यानी एक बार में इतना। यहाँ क्या खींचेगा आप, ये उतारिएगा, माइनस ये रूट थ्री क्या कट गया, बचा क्या, दो, दो का दो प्रिंट कितना होगा, चार। तो ये मैंने एलसीएम लिया है इसका। अब आपको नीचे वाला करना है, नीचे वाला का सेम इसी तरह से जिस तरह प्रिंस ले गया ऊपर क्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन तो क्या है, एक है, क्या हो जाएगा, टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट थ्री खत्म हो जाएगा टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, प्लस टू टू खत्म, बचा क्या, रूट थ्री, यानी यहाँ पे रूट थ्री प्लस, और यहाँ पे क्या है, वन, एक बार में इतना, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, उतारना है, मतलब एक बार में इतना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, इन सभी को ध्यान से देखना है। तो आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे टू रूट थ्री और यहाँ पे रूट थ्री, यानी कि ये दो का रूट थ्री है, यहाँ एक रूट थ्री यहाँ भी है, यानी कि यहाँ पे एक रूट थ्री और ये दो रूट थ्री, यानी कि एक और दो, यानी कि यहाँ पे हो गया तीन रूट थ्री, एक रूट थ्री और दो रूट थ्री, यानी कि तीन रूट थ्री माइनस चार। इसमें क्या करना है आपको, देखिए, चार प्लस एक रूट थ्री, दो रूट थ्री, यहाँ क्या हो गया, तीन रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दर्शा देना है, जैसे कि यहाँ पे सजाना है आपको, तीन रूट थ्री माइनस फोर बटे, इसको क्या करना है, जगह बनाना है, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर देंगे ताकि सेम मिल जाए दोनों, प्लस चार, इसको मैं इधर, इसको मैं इधर किए सजाए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आपको हर परिमेयकरण कर लेना है, ठीक है, हर परिमेयकरण। तो हर परिमेयकरण करना क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, इसमें कोमा तो अभी आ नहीं रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे। तो हर परिमेयकरण जब करते हैं तो क्या होता है, हमारा चिन्ह सिर्फ चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे टू रूट थ्री यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ भी ये चीज उतरेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा हर परिमेयकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, ठीक है, इसको इससे, इसको इससे। तो हम क्या करते हैं, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, थ्री रूट थ्री माइनस फोर दो बार है, तो क्या हो जाएगा, थ्री रूट थ्री माइनस फोर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना है, थ्री रूट थ्री, थ्री रूट थ्री यानी कि थ्री रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और चार का स्क्वायर। तो यहाँ तक क्लियर है। आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए कौन से, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी बन लेते हैं, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और सूत्र क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, और यहाँ पे जब माइनस है जब क्या होगा, माइनस टू ए बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहाँ हम इसको इसके अनुसार तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस टू ए और बी, ठीक है। सूत्र के अनुसार मैंने तोड़ लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे वाला करना है, नीचे वाला आपको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है, तीन का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, तीन का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, नौ, और जब रूट थ्री का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट थ्री का रूट थ्री कितना होता है, तीन, यानी कि तीन हो जाएगा, इसका स्क्वायर नौ और इसका स्क्वायर तीन माइनस चार का स्क्वायर सोलह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। आपको क्या करना है, ऊपर वाला गुना करना है, इसका जो दिया हुआ है गुना करना है, जैसे कि तीन का स्क्वायर क्या हो गया हमारा नौ, और रूट थ्री का स्क्वायर तीन, और प्लस चार का स्क्वायर सोलह माइनस, इसको गुना करना है आपको, तो क्या कीजिएगा, ऊपर अंदर अंदर गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा और ये रूट थ्री से लिखिएगा, तो क्या करना है, दो तिया बारह,
और 12 चौके 48, सॉरी 2 तिया 6, 6 चौके 24, ठीक है 24 होगा आपका यहाँ पे, 2 तिया 6 और 6 चौके 24, 24√3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 24√3 होगा, और बटे क्या है आपका 9 तिया 27 माइनस 16, ठीक है यहाँ तक क्लियर। आपको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है ऊपर जो भी दिया हुआ है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 बटे 27 में 16 घटाइएगा तो कितना होगा, 27 जब हम 16 घटाते हैं तो हमारा बचता है 11, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर लॉक करना है, यानी कि 27 और 16 को जोड़ना है, और यहाँ पे करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उतार देते हैं पहले एक बार हम, 16 माइनस 24√3 बटे कितना है 11, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। आपको क्या करना है, इसको इसको जोड़ देना है, 7 6 कितना हो जाएगा 13, और हाँ इतना 1 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 बटे 11, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें ना तो कुछ कॉमन आएगा, ना कुछ कटेगा, ना कुछ जुटेगा, ना कुछ घटेगा, तो ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा 4th नंबर सवाल भी खत्म हुआ, अब आपको हम बताएंगे 5th नंबर सवाल। सवाल 5वां सवाल में क्या कह रहा है, 5 cos² 60° + 4 sec² 30° - 10² 45°, ठीक है, और बटे कितना दिया हुआ है, sin² 30° + cos² 30°, ठीक है यह आपका दिया हुआ है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके जो है आपको मान रखना है, जैसे कि हम मान रखेंगे 5 का 5 into यानी कि गुना में है cos² 60, तो cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 स्क्वायर है तो क्या करेंगे स्क्वायर देंगे प्लस 4 sec² 30, तो sec 30 का मान जो होता है हमारा 2√3 होता है, ठीक है यहाँ पे लिखेंगे 2√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे हम -10² 45, और 10² 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक क्लियर। अब हम नीचे क्या करेंगे, नीचे में क्या कर रहा है, sin² 30, sin² 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देना है आपको प्लस cos² 30, यानी cos 30 का मान कितना होता है 3/2 स्क्वायर है तो कोई स्क्वायर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, गुणा करना है, जैसे कि पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, पहले हम 5 लिखेंगे, ठीक है गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 × 4 तो रहेगा ही, उसको बाद में गुणा करना है आपको, ठीक है पहले इसको करेंगे हम ब्रैकेट लगा पहले काम होता है, इसी कारण हम पहले ब्रैकेट वाला को गुना कर रहे हैं, ठीक है इसी कारण देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है। आप क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तक क्लियर। आपको यहाँ पे इसको अब इससे गुणा करना है, ठीक है अब ब्रेकर में पहले काम हो गया, अब गुणा करना है इसका, यानी कि 5 × 1 कितना होगा 5/4, 5/4 प्लस और क्या होगा 4 × 4 16 16/3 माइनस 1 बटे कितना है, इन एलसीएम लेते हैं, 4 × 4 का एलसीएम कितना होगा 4 एक बार में प्लस 3 कितना बार में एक बार में, ठीक है यहाँ तक क्लियर। आपको क्या करना है, इसका अपने एलसीएम ले लिया और इसका भी एलसीएम लेना है, यानी कि इसका एलसीएम लेना है, पहले उसको उतार लेते हैं ऊपर में, ठीक है उतारने क्या है 5/4 है प्लस 16/3 है माइनस 1, और फिर यहाँ पे क्या है 1 + 3 - 4, तो इसको मैंने क्या किया यहाँ से यहाँ को उतार लिया। अब यहाँ पे करना है क्या है, इसका हमको एलसीएम लेना है, यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है 1 है
चार तीन एक का एलसीएम जब हम लेते हैं तो कितना होता है हमारा 12, ठीक है 12 होता है। और ये कितना बार में आ गया, तीन बार में, चल चलता हूँ बार कितना बार होगा तीन बार में, तो हम पास को तीन बार पढ़ेंगे 15 प्लस तीन को पढ़ेंगे चार बार, तो कितना होगा 16×64 माइनस ये 12 बार में तो कितना हो जाएगा 12/2। यहाँ क्या करना है, 1+3 यानी कि 4/2 कितना है 4, ठीक है ज्यादा क्लियर। अब क्या करना है, आप देख रहे हैं 4 क्या हो गया कट गया, तो बचा क्या हमारा सिर्फ ये, यानी कि उठाएंगे यहाँ पहले हम 15+64 माइनस 12/12, ठीक है इस तरह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, तो हमको यहाँ पे जोड़ना है ये दोनों को और घटाना है फिर इसको, तो हम क्या करेंगे 4, 5, 9 यहाँ लिखते हैं 4, 5, 9 और 6, 1, 7 और माइनस कितना है 12/12, ठीक है ये हो गया। अब इसमें हमको इसमें क्या करना है, इसको घटा देना है, तो 9 में 2 जाएगा कितना होगा 7 और 7 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 67/12 आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सवाल बढ़ेंगे, सवाल बढ़ेंगे आगे, जैसे कि 5 नंबर का 1 नंबर का 5 तक सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब जो आपको हम बताएंगे 2 नंबर का सवाल 1 नंबर रोमन अंक से, ठीक है आपको हम 2 नंबर का सवाल बताएंगे, ठीक है आपको 2 नंबर का सवाल 1 नंबर का बताएंगे, ठीक है। तो 1 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 tan 30° / 1+10² 30° = ठीक है इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है a sin 60 degree b cos 60 degree c tan 60 degree और d sin 30 degree। यानी कि हमारा 2 नंबर का जो सवाल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, यानी कि आपको इसको निकाल के सिद्ध करना है, आपको देखना है जो भी इसका मान आएगा आपको देखना है कि इन चार में से किसका मान वो है, ठीक है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव है, ये एग्जाम में पूछे आते हैं इस चैप्टर से, खास करके इन चारों सवाल में से एक नेक्स्ट सवाल जरूर आएंगे आपके इस बार भी, तो ठीक है हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए इसमें ध्यान देना है आपको, यहाँ पे 2 यहाँ पे क्या है इंटू यानी कि गुना और 10 30 का मान कितना होता है, 10 30 का मान 1/√3 होता है और यहाँ क्या है 1+10²30 का क्या होगा 1/√3, तो स्क्वायर है तो क्या करना है हमको स्क्वायर दे देना है, ठीक है। अब क्या करना है 2 × 1 कर देना है यानी कि 2√3 हो जाएगा और बटे क्या होगा यहाँ पे देखिए 1+ ब्रेकर कम करना है यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पे हम लिखते हैं 2√3, ठीक है और यहाँ पे क्वेश्चन तो क्या है 1 हो जाएगा यानी कि 1 और √3 का एलसीएम 3 कितना बार में 3 बार में यानी कि 3+ कितना बार में 1 बार में यानी कि 1, यहाँ तक हो गया। आज का हम आगे बढ़ेंगे 2/√3 यहाँ उतार लिए हमने, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 3+1 यह आ जाएगा 4/3, जब इसको हम गुना अब हम इसको क्या करेंगे गुना में चेंज करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 2√3, जब गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है ये चीज क्या होता है ऊपर चला जाता है यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा और 4 क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है ये 1 बार में कट रहा है ये 2 बार में कट रहा है दुखा पड़ा से, ठीक है तो ये हो गया। आपको क्या करना है आप जानते हैं कि √3 इंटू यानी कि गुना √3 करते हैं तो कितना होता है हमारा
तीन होता है, यानी कि यहाँ दो गो यहाँ रहेगा, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं रूट थ्री, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या तो यहाँ पे तीन है तो तीन रूट थ्री यहाँ पे है, तो एक बार एक रूट थ्री क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा एक रूट थ्री बच जाएगा, यानी कि रूट थ्री तीन में जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ रूट थ्री बच जाएगा, क्योंकि रूट थ्री रूट थ्री कितना होता है तीन होता है, तो इसे एक रूट थ्री कट जाएगा क्या बच जाएगा एक रूट थ्री बच जाएगा, यानी कि रूट थ्री बाय ये क्या है टू। आपको देखना है कि रूट थ्री बाय टू किसका मान है, ठीक है, तो साइन साठ का ये मान है, वैसे तो कोस तीस का भी ये मान होता है, ठीक है, साइन साठ का ये मान होता है, ठीक है, और कोस तीस का भी मान होता है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है साइन साठ का मान है, यहाँ कोस तीस में भी आता है, लेकिन क्या यहाँ पे कोस तीस है, कोस तीस या कोस साठ है, कोस तीस नहीं है, तो एक ही दिया हुआ है, क्या वो क्या दिया हुआ है साइन साठ दिया हुआ है, आता तो कोस तीस में भी है पर वो चीज दिया हुआ नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ ये क्या हो गया इसका मान हो गया, ठीक है, तो ये नंबर आपका बन गया। आपको हम बताएंगे दो नंबर का दूसरा नंबर, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, आपका दूसरा नंबर सवाल क्या है वो, हाँ वन माइनस टेन स्क्वायर पैतालीस डिग्री बटे वन प्लस टेन स्क्वायर पैतालीस डिग्री, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है क्या दिया हुआ है ऑप्शन, इसका ऑप्शन दिया हुआ है टेन नाइनटीन डिग्री बी एक, सी दिया हुआ है साइन पैतालीस डिग्री और डी आपका दिया हुआ है जीरो, ठीक है, तो चार ऑप्शन मैंने आपको उसको उतार दिए हैं, आज को आपका भी देखना है इसको सिद्ध करके, इसका जो आंसर आएगा आपको फिर मैच करना है किसे मैच खाया है तो आपका आंसर होगा, तो हम देखेंगे इसको आप हम तो क्या होगा वन माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस, यानी कि टेन पैंतालीस का मान कितना होता है वन स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर पैंतालीस का मान कितना होता है, यानी कि इसका वन ही होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पे वन माइनस एक का स्क्वायर कितना होता है एक ही होता है, वन प्लस एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे एक में एक घटाएंगे तो क्या होगा जीरो, और एक प्लस एक जोड़ेंगे कितना होगा दो, और जब दो से हम जीरो में भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा जीरो, यानी कि हमारा ये डी नंबर क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, अब हम आपको बताएंगे तीन नंबर, ठीक है, अब तीन नंबर को क्या कह रहा है साइन टू ए बराबर टू साइन ए, तब सत्य होता है जबकि जबकि ए बराबर है, इसका आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका जीरो डिग्री तीस डिग्री सी नंबर पैंतालीस डिग्री और डी नंबर साठ डिग्री, तो इस सवाल में इसमें जो कह रहा है वो देखना है साइन टू ए बराबर टू साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है, यानी कि इस ए के जगह पे कौन सा मान होगा, ए के जगह पे कौन सा मान होगा कि ये इसके बराबर होगा, तो हम देखेंगे पहले, तो सबसे पहले हम जीरो रहते हैं, ठीक है जीरो डिग्री, ठीक है जीरो डिग्री रहते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन टू, यहाँ पे हम थोड़ा दर्शाएंगे, माना कि नहीं हम लिखेंगे ए बराबर जीरो डिग्री लेने पर, ठीक है मैं इसका सोल्यूशन ले रहा हूँ इसको ले रहा हूँ,
जीरो डिग्री माना कि ए बराबर क्या लेना है हमको, ए बराबर क्या लेना है जीरो डिग्री, इसको पहले लिए मैंने ऑप्शन ए को लिए है, अब इसको रखना है। तो यहाँ पर देखिए साइन टू ए बराबर टू साइन ए, आपको क्या करना है ए के जगह पे जीरो डिग्री रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन टू इंटू में है तो क्या है गुना ए का मान जीरो, ठीक है बराबर इसमें भी रखना है आपको टू साइन ए का मान जीरो डिग्री, ठीक है हो गया। अब आपको क्या करना है साइन टू इंटू जीरो यानी कि दो गुना जीरो करने कितना हो जाएगा जीरो डिग्री बराबर टू, यहाँ पे साइन जीरो डिग्री मान कितना होता है साइन जीरो डिग्री मान जीरो होता है यानी कि दो गुना जीरो इसका मान क्या होता है जीरो होता है, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात हम बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है साइन जीरो डिग्री मान क्या होता है जीरो और यहाँ पे दो गुना जीरो तो जीरो, तो ये क्या हो गया यानी कि हम जीरो अगर हम लेते हैं यानी कि हम जीरो अगर ए के जगह पे लेते हैं तो क्या होता है हमारा ये मान बराबर होता है, यदि आप ए के जगह पे 30 लेते हैं 45 लेते हैं 60 लेते हैं तो आपका क्या होगा ये मान जो बराबर हमारा आया है इसमें वो आपको बराबर नहीं आएगा, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा ए। आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं कि ये इससे आता है कि नहीं आता है, तो हम देख चुके हैं नहीं आएगा आपको सिर्फ इसमें आएगा, तो इसी ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब आपको हम बताएंगे सवाल नंबर चार, ठीक है चार नंबर में क्या कह रहा है, चार नंबर में कह रहा है टू टेन 30 डिग्री बटे वन माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, यह आपका ऑप्शन का सवाल है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ये खास के सवाल पूछे भी जाते हैं ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन देखना है आपको, एक नंबर में आपका दिया हुआ है कॉस 60 डिग्री, बी नंबर आपका दिया हुआ है साइन 60 डिग्री, सी नंबर आपका दिया हुआ है टेन 60 डिग्री और डी नंबर क्या दिया हुआ है आपका साइन 30 डिग्री। इसमें आपको वही करना है आप इसको निकालना है इसका जो मान आएगा आपको देखना है कि किसके बराबर वो मान होता है, तो देखिए इसमें देखते हैं दो इंटू टेन 30 का मान क्या होता है वन बाय रूट थ्री प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा वन बाय रूट थ्री स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या करना है आपको स्क्वायर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दो एक दो बटे रूट थ्री यहाँ पे वन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे क्या होगा थ्री, ठीक है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे लिखेंगे पहले हम टू रूट थ्री, ठीक है अब क्या करेंगे इसका हम एलसीएम लेंगे दोनों का क्या हो जाएगा वन और थ्री का एलसीएम थ्री, ये कितना बार में तीन बार में यानी कि यहाँ पे तीन माइनस ये कितना बार में एक बार में, ठीक है। अब आपको क्या करना है टू रूट थ्री टू रूट थ्री, ठीक है अब यहाँ पे तीन घटा एक यानी कि तीन में आपको एक घटाना है क्या बचेगा दो बटे तीन, आपको इसको क्या करना है गुना में चेंज करना है, आप गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है टू रूट थ्री ये नीचे वाला चीज क्या होता है ऊपर चला जाता है, जिससे कि ये तीन नीचे है क्या होगा तीन ऊपर चल जाएगा और ये टू क्या होगा नीचे चल जाएगा, ठीक है इस तरह से इतना कम्प्लीट हो गया यहाँ तक क्लियर है। आपको यहाँ पे क्या करना है टू टू क्या हो रहा है कट रहा है हमारा और रूट थ्री और तीन से कटाएंगे कितना बचेगा यहाँ क्या बच जाएगा रूट थ्री बच जाएगा हमारा सिर्फ रूट थ्री बजेगा, तो ये रूट थ्री क्या कितना आ जाएगा यानी कि ये कट गया सिर्फ बच गया क्या रूट थ्री हमारा क्या बचा रूट थ्री, तो रूट थ्री किसका मान होता है तो रूट थ्री हमारा टेन 60 का मान होता है और कॉट 30 का मान होता है। तो आपको देखना है कि इन दोनों में से ऑप्शन में कौन कौन दिया हुआ है, तो हम देखिए कॉट 60 नहीं आता है साइन 60 में नहीं आता है टेन 60 में आता है और साइन 30 में नहीं आता है यानी कि इसमें आता है यानी कि आपका ये ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। तो ये सवाल का बन गया यहाँ पे थोड़ा दर्शा देना है यानी कि टेन 60 बराबर, ठीक है।
ठीक है। अब आपको हम बताने वाले हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा, वो है 3 नंबर। ये 2 नंबर का सारे सवाल खत्म हुए, 2 नंबर में 4 सवाल थे। अब आपको हम बताएंगे तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर सवाल आपका क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब आपको हम बताएंगे सवाल नंबर तीन बताएंगे आपको हम। इसमें कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 तो √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a प्लस बी का मान निकाले। ये सवाल मैंने आपके शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें क्या करना है ध्यान देना है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है तो a प्लस बी का मान निकालना है, यानी आपको a और a प्लस बी का मान निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, सॉरी a प्लस बी नहीं है, a और b, a और b का मान निकालना, ठीक है, a प्लस बी का नहीं। तो इसमें आप क्या करना है, क्या कीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इस 3 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो a और b का मान आपको निकालना है। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा सॉल्यूशन में, tan a प्लस बी बराबर √3 क्या है आपको दिया हुआ है, आप इसमें देख रहे हैं tan a प्लस बी, ये √3 जो है आपका tan का ही मान है। तो tan कितना डिग्री का मान √3 है, तो tan 60 डिग्री का मान जो है हमारा √3 होता है, यानी कि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा इसके जगह पे tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। यहाँ √3 अब दिया हुआ है तो हम tan 60 क्या करते हैं इस जगह पे ले सकते हैं, ये इसका मान होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हैं tan ये बराबर है, बराबर के इस पर और उस पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि मैच खाने की क्या हो गया, खत्म हो गया। बच गया क्या हमारा, a प्लस बी बराबर क्या बच गया, 60, यानी कि 60 डिग्री। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, क्या मान लिए इसको हम समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए अगेन यहाँ पे लिखेंगे हम, अगेन इसका हो गया, आपको करना है क्या, इसका करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 भी जो है tan का ही मान आता है, ये tan 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे हम 1/√3 tan 30 का मान होता है, इसी का हम यहाँ पे tan 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसका मान होता है, इसलिए tan क्या हो गया, कंपेयर हो गया, मतलब तुलना हो गया। अब हम क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर क्या बच गया हमारा, सिर्फ 30 डिग्री बच गया, यानी कि इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ हमको आपको बताना होगा, वहाँ जगह भी चाहिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लिए, इसको हम समीकरण सेकेंड मान लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, a और b का मान निकालना है, तो a और b का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड सॉरी प्लस करने पर इन दोनों आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कीजिएगा, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60
और जोड़ कितना है, ए माइनस बी बराबर सी डिग्री। ठीक है, यहाँ पर जोड़ना आप क्या कीजिएगा, ए ए क्या हो जाएगा टू ए, सॉरी पहले इसको कटा लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्लस बी, यहाँ पे क्या है माइनस बी, जब प्लस माइनस प्लस बी या माइनस बी क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस में है एक माइनस में है, ये हमारा कट गया। यहाँ पे क्या बच गया टू ए, लेकिन जोड़ना है तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे साठ तीस कितना हो जाएगा नब्बे नब्बे, ठीक है नब्बे हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, आप देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड हम निकाल लिए हैं, अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, ये तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे दो समीकरण को। तो पहला समीकरण हमारा क्या है ए प्लस बी बराबर साठ डिग्री, और समीकरण सेकंड क्या है हमारा ए माइनस बी बराबर तीस डिग्री। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले कि प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, जोड़ना है तो हम क्या करेंगे ए क्या हो जाएगा टू ए बराबर साठ डिग्री और तीस डिग्री कितना जाएगा नाइनटीन डिग्री, नाइनटीन डिग्री। ठीक है, आप क्या कीजिएगा ए ये इंटू में है, जब ये बराबर उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में जाएगा, यानी कि ये बटे में जाएगा, ये कट जाएगा, ए बराबर हमारा कितना निकल गया ए बराबर हमारा निकल गया पैतालीस डिग्री। आपको क्या निकालना है बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, चाहे आप समीकरण फर्स्ट में मान रखिए ए का, चाहे आप समीकरण सेकेंड में रखिए मान ए का, आप इन दोनों में से किसी में भी आप ए का मान रख सकते हैं। और हम मान लीजिए हम समीकरण फर्स्ट में हम रख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, आप चाहे तो इसमें रख सकते हैं और इसमें रख सकते हैं, हम रख रहे हैं वन में। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर साठ दिया हुआ है, यहाँ ए का मान क्या निकाले हैं आप पैतालीस डिग्री प्लस बी बराबर साठ। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा बी ये प्लस में है, जब वो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि माइनस पैतालीस डिग्री बी बराबर साठ पैतालीस जाएगा कितना हो जाएगा पंद्रह डिग्री। ठीक है, यानी कि आपका ए बराबर पैतालीस डिग्री निकल गया और बी बराबर कितना निकल गया पंद्रह डिग्री, आपको ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ए और बी आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको 8.2 के सारे सवाल बता दिए, कल के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं वो होगा 8.2 का उदाहरण। ठीक है, जरूरी ही है वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो कल का वीडियो जरूर देखेंगे।